क्या क्या बना रहे हो? ये मैं जो बना रही हूँ तो वही है, रिंगा रिंगा रोजेस, इफ नॉट टुगेदर यू ऑल विल फॉल डाउन। सो ये नो टू एनआरसी कि हम सारे एक साथ जब होंगे देन ओनली इट्स वन, अदरवाइज नहीं है। मैडम ये आप क्यों विरोध कर रहे हो ये इसका CA और NRC का? हाँ, क्योंकि काफ़ी थोड़े पॉइंट्स है, क्योंकि ये रिलीजन के आधार पे सिटीजनशिप का डिसीजन करवाती है, और सेकेंडली ये डिस्क्रिमिनेटरी है, और थर्डली क्योंकि मुस्लिम्स को छोड़ा गया है, और थर्डली ऐसी बात है कि इंडियन कल्चर में खास करके जो अंडर प्रिविलेज वाले जो सेक्शंस हैं डॉक्यूमेंटेशन का उतना प्रैक्टिस नहीं है। तो हम जैसे अगर प्रिविलेज लोग हैं वो तो शायद अगर NRC और CAA हो गया साथ में तो शायद हम डॉक्यूमेंट लेके हमारा हम छूट जाएं, पर जो अंडर प्रिविलेज है, जो होमलेस है, आदिवासी है, ऐसे बहुत सारी कम्युनिटीज़ है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन है ही नहीं, तो उनका क्या? फिर वो छूट जाएंगे, सिटीजनशिप से छूट जाएंगे, और वो इलीगल इमिग्रेंट है नहीं तो कहाँ जाएंगे? पहले कह रहे हैं कि NRC होगा, नेशन वाइड NRC होगा, ये तो कोई रोक नहीं सकता। फिर कह रहे हैं कि आसाम में हुआ उसके अलग होगा, फिर कह रहे हैं कि बात ही नहीं हुई है। तो क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत है अभी, तब तक मुझे लगता नहीं ये प्रोटेस्ट रुकेंगे, ये जो आंदोलन है वो रुकेगी, क्योंकि जो मुस्लिम कम्युनिटी को छोड़ा गया है उनका मानवाधिकार नहीं है, वो मानव नहीं है, उनको भी परसिक्यूट किया जा रहा है। कितने तो कंट्रीज़ में कहते हैं कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है उसमें मुस्लिम को कैसे प्रोसिक्यूट करते हैं, हो रहा है, रिपोर्ट्स है, ये फैक्ट है। तो अब कौन से आधार पे ये डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं? तो फिर वो मानव अधिकार का जो मुद्दा है वो थोड़ा पीछे रह जाता है, और थोड़ा मास्क जैसे बनता है, क्योंकि वो जो कह रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। शुक्रिया, आपका नाम क्या है? नताशा त्रिवेदी। से कितने आदमी जिंदा है? स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े, युवती युवती, बहन भाई, माँ बाप, चाची चाचा, मामा मामी, नाना नानी, अगर तुम जिंदा हो तो तुम्हें किससे मारना चाहिए? महासत्य के जहरी गैस चैम्बर में दबाकर, अनियुद्ध में, गोधरा गुजरात कांड में, खैरलान जी हत्याकांड में, या रोटी दवा छत पानी के अलावा? तुम ही देव पया, तुम ही बताओ किससे सामने तुम्हें खत्म करना है? सर्वोच्च न्यायालय के सामने, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के पत्रकार के सामने, या कवि चित्रकार विख्यात विद्वानों के सामने? कैस क्रिस्त पैगंबर गुरु नानक के सामने, अरिस्टाटो प्लेटो कांड नेहरू दा गार्गी के सामने, रूजवेल्ट रूसो चारवाक के सामने, गांधी अंबेडकर भगत सिंह के सामने, किसके सामने? या मारना है तुम्हें शहीद बनकर, विस्थापित बनकर, आतंकवादी बनकर, नक्सलवादी बनकर, मुजाहिदीन बनकर, या और क्या क्या बनकर? तुम्हें ही बताओ, हम तैयार है तुम्हारी मौत लेकर हमारे प्रस्तावित एजेंडे पर, हमारी महासत्ता का असली चेहरा हम देना है तुम्हें, मौत को केवल मानवी चेहरा, असा मानवी चेहरा अपन हे नाकारला आणि दोन हात शब्द आणि रंगरेषेच्या माध्यमातून केले पाहिजे। एवढंच मी या ठिकाणी आपले कविता संपवतो।